हेलो, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। एसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार फिर से आ चुके हैं पिछले बार आर्ट ट्रिक को लेकर, और ये आर्ट ट्रिक है तंजौर पेंटिंग से रिलेटेड। ओके, अभी हम इंस्टा पे भी लाइव हैं। वेलकम लावण्या, ये इंस्टा के फर्स्ट व्यूअर हैं और फेसबुक पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दिखाई दिया। वेलकम मीना पड़ा सर, वेलकम प्रीति सिंह, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? वेलकम रुचि वार्षने, वेलकम श्वेता, वेलकम वेलकम स्वप्ना, वेलकम स्मिता, वेलकम। ये क्या, साधना? तीन बार आ रहा है, साधना, सदन, मान। वेलकम पूर्णिमा, वेलकम नीतू खरे, वेलकम सुष्मिता साहा। तो जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए आर्ट ट्रिक ही वो लेकर आते रहते हैं, तो पिछले वाले आर्ट ट्रिक हमारा है उसी को हम रिकंटिन्यू करना है, और इसी पे भी हम अपना वर्क अभी करेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को ये शेयर जरूर कर दें। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये शेयर करने के लिए मैं बोलूँगा तो मैं आपको कोई ऑफर दूंगा कि मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा, ऐसा ऐसा नहीं है। आप लोग का हमारा काम पसंद आता है तो आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, ये सब लुभावनी बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब बोलने वाली बात होती है और ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो हम फिर शुरू करते हैं। तो पिछली बार आप देखे थे कि मैंने ये किया था, है ना? ये मैंने ऑलरेडी मैंने निकाला था और इसको मैंने फिल कर दिया था, तो ये मैंने निकाला है, फिल करके मैंने ये निकाला है। ओके, ये फिल करके मैंने निकाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेसर है हम उस पर अभी वर्क करेंगे नेक्स्ट वाले में। ओके, कि ये तो मैंने इसकी कटिंग किया, इसके ऊपर मटेरियल डाला और ये मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करना है, फिर उसके बाद में होगा गोल्ड कलर होगा। वेलकम सुधीर खड़े। तो एक बार हम आपको रिपीट से आपको बताते हैं कि ये मैंने किया कैसे। ओके, ये हमारे पास एक प्लाई बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने ये बेस बनाया था, और मेरे पास एक विनाइल है, विनाइल स्टिकर आता है जो अक्सर विनाइल बोर्ड में नेम प्लेट में इसका इस्तेमाल होता है, और इसका मैंने ड्राइंग जो है ना एक कटवाया था, बना के मैंने कटवाया था। तो अगर आपको बोलते हैं तो मैं अभी भी इसमें से थोड़े से ड्राइंग को कटिंग करके आपको निकाल के भी आपको फिर से हम दिखाते हैं कि आखिर आखिर इसमें इंप्रेशन आया तो कैसे आया, है ना? तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसके लिए वेलकम गीता राघव, वेलकम नीलिमा गुप्ता। नीलिमा गुप्ता हैं जो जब भी आते हैं हमारे वीडियो को बिना कहे हुए आगे फॉरवर्ड करते हैं। वेलकम रंजना वर्मा, वेलकम ड्राइंग। तो हम थोड़ा सा ये कैमरा को नीचे करते हैं। ओके, व्यू आप लोग को ठीक दिख रहा है? थोड़ा सा इसको, ये हुआ है क्या कि मैं इसका स्टैंडिंग है ना, मैंने थोड़ा सा दूसरा टाइप का लिया है तो इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है, ये जो स्टैंड होता है ना कैमरा वाला। वेलकम ये क्या है, ताजनीन मनान, वेलकम गजल फातिमा। तो ये आपको करना है क्या कि ये देखिए, जब हम इम्प्रेशन वो देते हैं तो कुछ ऐसा आता है ना, रफ सा आता है, फिर इसको घिसना पड़ता है। ये रफ सा आता है फिर घिसना पड़ता है। ओके, तो अभी यहाँ पे भी रफ है, इसको हम थोड़ा सा घिसेंगे घिसेंगे। तो ये मैंने किया था इसको कैसे, तो इसको सबसे पहले आप चाहे तो डायरेक्ट इसके ऊपर में टेप चिपका सकते हैं, इसका नाम है ट्रांसफर टेप।
ठीक है, उसने हमें गलती से और कोई टेप दे दिया था, इसलिए जल्दी ये वर्क नहीं किया। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर टेप। तो अभी आप देखेंगे क्या कि आप इस ढंग से भी आप निकाल सकते हैं, कि पहले आपको करना है क्या कि इसका जो जो कटिंग है वो पहले आप निकालेंगे। ये हम ये निकाल भी रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल आसानी से आ रहा है, ये आसानी से आ रहा है बिल्कुल, ये आसानी से, ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए आसानी से है ना, एकदम मजेदार वाली बात है इसमें। और आप लोग के लिए एक मैंने अच्छा चीज मैंने सोच रखा है, अभी बताऊंगा। और जब से मैंने मार्बल टाइल के बारे में लोगों को मैंने बताया है, इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज, लगभग मैं 20-22 लोगों को मैंने जो टाइल बेचते हैं उसका नंबर मैंने दिया है कि आप डायरेक्ट उनसे आप लीजिए, इसमें हमारा कुछ वो नहीं है, हमारा काम है रास्ता बताना, आप खुद लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे ढंग से इसकी कटिंग हो गया है, देखिए कितनी बारीकी है ना, है ना, ये विनाइल पे कटिंग मैंने ऐसे किया। इसको काटने के लिए एक मशीन आता है, उससे जहां पे स्टिकर की कटिंग होती है वहीं पे आपको इसकी कटिंग आपको करवाना है। ओके, अब यहां पे इसको डायरेक्ट आप उठा के डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इस टेप के जरिए भी। तो आप देखेंगे कि उस दिन मैंने वैसे लगाया था तो निकालने में दिक्कत आया था, तो इस बार हम वही टेक्निक अपनाएंगे, लेकिन पहले मैंने निकाल लिया है। वेलकम महकराज, वेलकम पायल, वेलकम शोभना सक्सेना, ये हमारे इंस्टाग्राम की व्यूअर हैं, वेलकम मयंका सिंह। तो 20-22 लोगों को मैंने नंबर दिया है कि आप वो टाइल वो ले लीजिए और वो टाइल वाले से बात करके ऑर्डर देके उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके जरिए मुझे इसके बारे में हमको पता चला है कि इतने सस्ते रेट पे टाइल मिलते हैं। और जो उस दिन जो हमारे लाइव पे जो गुस्से वाले स्टिकर दिए जा रहे थे उसमें से मैंने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये सर जी हम गुस्सा इसलिए कर रहे थे कि पहले क्यों नहीं ये बात आप बताए, हम पहले ले चुके थे इसलिए आपने ये बात बताया तो मुझे गुस्सा आया आप पे, आपके आर्ट इतने अच्छे हैं कि उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपको गुस्सा वाला स्टिकर दे रहे थे। और ये 150 का ही आता है, आप कहीं भी आसानी से जयपुर में ले सकते हैं। ये इसको आपको ऐसे ऐसे करना है और फिर ये इसको हमने फिर इसको निकालेंगे। ये देखिए ये आसानी से आ गया, ये देखिए आ गया टेप पे, अब यहाँ पे चिपका देना है, ये आसानी से ये लीजिए। और ये चिपकाने के बाद ये हमको थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उस दिन थोड़ा हम लेट किए थे, आप लोग को भी लग रहा था कि सर जी लेट हो रहा है ना।
और आपको बताना चाहेंगे कि मैं मार्बल आर्ट जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ, मार्बल आर्ट मैं जल्दी ही लेकर आ रहा हूँ और आप लोग को अच्छे ढंग से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये हमारी मंशा है आपको अच्छा आर्ट देना, अच्छा आर्ट सिखाना, झूठ वाला बात नहीं। क्योंकि मैं बचपन से ही ईमानदारी के खातिर, मैं आपको अपनी स्टोरी में आपको वैसे क्या बताऊं, तो ये होता है ट्रांसफर टेप होता है, ओके। अभी हम आप लोग को मार्बल टाइल के बारे में थोड़ी सी ज्ञानवर्धक बातें हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में, ओके, जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। ये देखिए, ये आसानी से ये निकल गया, ये देखिए आ गया ना, ये आसानी से आ गया, ये बिल्कुल ये आसानी से आ गया, ओके। उस दिन वाला ये है, तो आप इस टेक्निक से, आपको बता रहे हैं कि तंजौर पेंटिंग का आप जो मंडप हो गया, उसके उसके पिलर हो गए, आप कहीं भी इम्बोज करके ये आइटम आप बना सकते हैं। मार्बल कहाँ से मिले, कहाँ से लेना है आपको चाहिए, कांटेक्ट कीजिए, आपको हम आपको बताएंगे। अगर एक पीस अगर आपको चाहिए, हमारे स्टूडेंट है, तो हम आपको दो पीस भी आपको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे स्टूडेंट है तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो जहाँ से हम खरीदते हैं वहाँ से आप लंटेन ले सकते हैं, जो चाहिए वो कुछ भी लीजिए रीजनेबल प्राइस पे, ओके, रीजनेबल प्राइस पे। तो अभी हम आपसे दो मिनट बात करते हैं। इस मार्बल टाइल के ऊपर, ओके, एक आध स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि ये जो टाइल होता है नकली होता है ना, असली नकली का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि असली नकली का मसला क्या है। जमीन से निकला हुआ कोई भी चीज नकली नहीं होता है। हम आपको सिंपल एग्जांपल में आपको बता रहे हैं, जमीन से निकला हुआ चाहे वो अबरक हो, अल्मोनियम हो, लोहा हो, पत्थर हो, कोई हो, नकली नहीं होता है। अगर हम मान लेते हैं कि नकली है, ओके, और ये असली है, अभी हम दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों टूटेगा, दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों ही टूटेगा, तो ये मतलब ही नहीं है कि ये नकली है और ये असली है, ओके। दूसरी बात, अगर हम 1% मान भी लेते हैं कि नकली है, तो इसकी जब कटिंग जब किया जाता है, जब बड़े बड़े मशीन में इसको डाल के जब इसकी जब इसकी कटिंग होती है, तो होता क्या है कि इसमें इतने वाइब्रेशन होते हैं मशीन का, अगर ये नकली होगा तो उसी टाइम टूट जाएगा ये, ओके। तो आप इसकी मजबूती और नकली पे मत जाए। एक ही प्रकार का टाइल आता है जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, जो फर्श में, ये वही वाला होता है, बस ये है कि ये पतला हो गया, ये 4 से 5 mm का हो गया, वो होता है 12 mm, 24 mm, ऐसे वो मोटा मोटा आता है, ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बात आता है इसी कलरिंग का, इसी कलरिंग का आता है। तो अभी बहुत से स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर ये मार्बल कलर क्या होता है, तो आपको बताना चाहेंगे मार्बल कलर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एक्रिलिक कलर, ऑयल कलर, वाटर कलर, उसी का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ओके, और कोई इसमें कलर नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे आता है ये भी बात कि गोल्ड कलर का, ओके, गोल्ड कलर का इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा, तो उसके एक आध स्टूडेंट ने हमको ये भी मैसेज किए कि हमें तो ये बताया गया है कि एनेमल पेंट लगाइए, पीला कलर का एनेमल लगाइए, थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, तो उसके ऊपर में गोल्ड फॉइल चिपका देना है। बिल्कुल रॉन्ग बात है। एनेमल पेंट होता है उसमें तारपीन तेल होता है, जो उस वर्क के साथ में रिएक्शन करके वो 1 साल के अंदर ही वो काला पड़ जाएगा। आप उसके ऊपर में चाहे वार्निश लगाइए, चाहे कुछ भी लगाइए, वो निकलना ही निकलना है, ओके, वो निकलना ही निकलना है।
तो इसके करने के जो तरीका है वो अलग है। और आपके लिए गिफ्ट वाली बात है कि मैं जल्दी ही हम जिनसे टाइल ये लिए हैं उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति आर्टिस्ट से हमारी मुलाकात करवाए हैं जो अगर उनसे हमारी बात बन जाती है तो आपको 30 साल के एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा मैं आपको ये आर्ट हम आपको सिखाएंगे, चाहे वो लंटेन हो, चाहे मीनाकारी हो, चाहे पॉट हो, चाहे कुछ भी हो, जो रियल तरीका होता है उस तरीके से। ओके, ये नहीं कि उस पर हमने मार्बल पाउडर से उसकी कोडिंग किया, ये किया, ये रॉन्ग तरीका है। आप ये मान लीजिए कि मार्बल पाउडर से अभी हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यही ना। ओके, लेकिन आज से 500 साल, एक मिनट, सॉरी, आज से 100 साल पहले जो ये मीनाकारी वर्क होते थे वो कैसे होते थे, उस टाइम तो फेविकोल भी नहीं था, ये भी नहीं था, तो लोग अपने तरीके से इसको बनाते थे और उससे काम करते थे। जैसे अभी के जो जो सीमेंट होता है, अभी जो हम लोग अपने घर में सीमेंट यूज करते हैं उसका इस्तेमाल आप देखिए, और एक जो मुगल काल में जो लाल किला बनाया गया है, ये सब बनाया गया है, उसमें कोई भी सीमेंट है नहीं है ना, तो उसमें वो तकनीक का इस्तेमाल करके इतना मजबूती से बनाया गया है। तो इसमें भी ऐसे ही बात है, मीनाकारी हो गया चाहे और भी वर्क है, इसके जो रियल तरीके से अगर काम किया जाए तो बहुत ही सुंदर वर्क होता है, बहुत ही सुंदर वर्क होता है वो। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसको गलत तरीके से अप्लाई करके सिखा के उस आर्ट का जो हिस्ट्री है, डेफिनेशन है, उसको बदलना चाहते हैं, बदल रहे हैं। अभी हमने भी जो आपको ये ट्रिक मैंने बताया है ना, हमने जो ये ट्रिक बताया है ये तंजौर पेंटिंग का है ना, तो ये हम इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं, इम्बोज हम कर रहे हैं, इम्बोज करना है, लेकिन मैंने तरीका चेंज कर दिया है कि इसको इम्बोज अगर हम अगर करते हैं तो कैसे करते हैं। ओके, तो ये हमने दूसरे तरीका से इम्बोज करने का विधि मैंने आपको बताया है। ये नहीं आप यहाँ पर रस्सी लगाइए चाहे ये लगाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है, सेम है, बस हमने इम्बोज करने का जो टेक्निक है वो मैंने आपको बदल के आपके सामने हम दिखा रहे हैं। ओके, हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अभी तो ये हुआ है, अभी इसके ऊपर में अभी क्या करना है वो भी बताएंगे, और बाद में इसके ऊपर जो गोल लगाएंगे उसके अभी आपको जो सही तरीका है वो हम बताएंगे। तो इसके जो आप देखेंगे कि यहाँ पे येल्लोपन भी है ना, येल्लोपन हल्का सा, तो येल्लोपन ग्रेपन में आप मत जाइए, ये होता मार्बल टाइल ही है, अब ये जमीन के नीचे टाइल है। ओके, वो पत्थर है, रॉक है, रॉक को जब कटिंग किया जाता है तो ये किसी में हल्का पीलापन आता है, सफेदपन आता है, ग्रेपन आता है, तो उसी को इसको बारीक तरीके से काट के इसको इस्तेमाल होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा टाइल है या ये खराब टाइल है, तो अरे दोनों को पटकने से दोनों ही टूटेगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग इस अफवाह पे मत जाइए, टाइल वही होता है। ओके, टाइल वही होता है, बस आपको इसको संभाल के इस्तेमाल करना है, और ये ओके। तो आज के लिए मैंने आपको टाइल के बारे में इतना मैंने बताया, अभी आगे का भी हम अपना काम आपको बताएंगे। तो आपको आने वाले टाइम में लंटेन से लेके जितने भी जो है आर्ट है जो रियल तरीके से, वो बस बातें चल रही है, अभी वो टाइम फिक्स नहीं है, अगर वो नहीं भी अगर बुलाते हैं तो हम तो लेकर आएंगे वो, क्योंकि इसके वीजे के बारे में हमें जानकारी है, तो और ये हम आठ हम लेकर आ रहे हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम दो क्लास हम लेकर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इस पे हम क्या बना रहे हैं ये गुप्त बातें हैं, और ये हम इसी सप्ताह के अंदर में हम लाने वाले हैं, अनाउंस करने वाले हैं, और इसकी होगी क्लासेज होगी। इसके ऊपर में जो कलरिंग है, वाटर कलर कैसे किया जाता है, अभी आप देखे होंगे कि मैंने अभी अपने पेज पे अपने ग्रुप में दो वाटर कलर का मैंने गुरु गोविंद सिंह जी का और नानक जी का मैंने डाला है ना, कितना अच्छा वर्क किया गया है बारीकी से। तो ऐसे आर्ट हमको करना अच्छा लगता है, और
और हमारे 8 ट्रिक को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं। कल एक छोटा सा बच्चा 5 साल का अपना आर्ट बना के हमको तौलिया वाला भेजा था, देख के दिल खुश हो गया कि छोटा छोटा बच्चा भी ये हमारे वीडियो को देखते हैं और उसको सीखते हैं। और यही सबको देखते हुए हमें और एनर्जी मिल रहा है कुछ अच्छा करने का और अच्छा करने का। और आने वाले टाइम में वर्ल्ड में फर्स्ट बार ऐसे ऐसे हम 8 ट्रिक लेकर आएंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये 8 ट्रिक भी ऐसा भी होता है। और हम लेकर आएंगे इस साल के लिए, हम आप लोग के लिए 8 ट्रिक के लिए हम सोच के रखे हैं। इसी बीच हमारे का जो क्लास है वो भी आते रहेंगे, अच्छा वाला और ईमानदारी वाला। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा बता दिया कि भाई ये आप वीडियो शेयर कर दो तो हम ये टाइल फ्री कर देंगे चाहे वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, ये सब कहने वाली बात है और इससे लोगों को बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी का काम पसंद आता है तो आप उनको काम को आगे बढ़ावा दीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। और हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग हमें अच्छा हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे आर्ट को इज्जत दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। और इसी को देखते हुए हम आप लोग के लिए अच्छा आर्ट लाने के लिए हमेशा लालित रहेंगे। अगर वो हम नहीं लाते हैं, मान लीजिए हम नहीं लाते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे बेटर कोई अगर कर सकता है इस काम को, तो उसके जरिए आप तक वो रियल बातें, रियल आर्ट हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। ओके, जैसे आप देखते हैं कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों होता है? इसीलिए होता है कि क्योंकि उसने एक ही चीज में सालों साल बिताया है, वैसे ही आर्ट है। हाँ, यह है कि हम अपने आप को बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानते हैं, अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, हमारी कोशिश होती है अच्छा करने का, अच्छा करने का, अच्छा दिखाने का, और यही हम शुरू से सोचते हैं। हाँ, यह है कि जब कोई बुरा करता है टीचर बन के तो ये अच्छा नहीं लगता है। टीचर की जो इज्जत होती है उसको लोग थोड़ा सा ख्याल रखें। इस पर हम बार बार हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, इस बात को समझेंगे और अपने आर्ट को अच्छा से करेंगे अच्छे टीचर के जरिए। और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, ईमानदार हैं, है ना, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप सीख सकते हैं अच्छा वाला। बहकावे में मत जाए, ये अच्छी बात नहीं है, है ना। तो अब हम अपना वर्क हम शुरू करते हैं और आप लोग को हम थैंक्स बोलते हैं कि इतनी बात आप लोग ध्यान से आप सुने हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं इस काम को कि आगे करना क्या है। ओके, तो इसको थोड़ा नीचे हम करते हैं, थोड़ा सा हम एक पानी भी पी लेते हैं। ये टाइल वैसे जो रेट हम आपको बताए हैं उसी रेट में ही मिलता है, आपको चाहिए आप हमारे स्टूडेंट हैं तो 150 में ही हम आपको देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना में आ रहा है तो हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे कि मैंने इसको इम्बोज किया था, तब इसको इम्बोज मैंने किया था तो इसको हम घिसेंगे। घिसने के लिए जो बारीक वाला रेगमार है, बारीक वाला ये होता है, आप वो ले सकते हैं। तो पहले हम ये मोटा वाले से घिसेंगे, मोटा वाला से इसलिए कि जो इसका जो ज्यादा रफ वाला है ना इससे जल्दी कटेगा, इसलिए इससे करना ये जरूरी है। और ये बहुत ही सुंदर आएगा, ये जो ट्रिक है ना आपको बताना चाहेंगे, ये ट्रिक सबसे ज्यादा कहां पे काम करेगा ये देखेंगे। ये जो बोतल है ना, मैंने आपके सामने ही किया था ना, ये है ना, ये ट्रिक सबसे ज्यादा वहां पे काम करेगा जहां पर राउंड शेप है, जहां पर राउंड शेप है वहां पे ये बेटर काम करेगा। राउंड शेप में अक्सर होता है क्या कि उसको इम्बोज करना सुई से भी कौन से भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रिक जो तंजौर पेंटिंग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, ये सबसे अच्छा ट्रिक है। और ये अपने तंजौर पेंटिंग में
अगर इस्तेमाल करते हैं उसके पिलर पे जो राउंड शेप में है, ये बड़ी ही मजेदार है। आप देखेंगे ये राउंड है ना। अब ये मैंने इसके बाद घिसाई नहीं किया है तो ये इसलिए ऐसा रफ दिख रहा है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा घिस देना है, ये सही है। और ये पक्का छूटता नहीं है, ये आप देखेंगे ये छूट नहीं रहा है, ये देखिए, देखेंगे ये आ रहा है ना ये। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके आपको आपको बता रहा है कि बोतल आर्ट भी कर सकते हैं। और ये तंजोर के लिए तो मैं स्पेशली तो आपको मैं बताया हूं कि ये आप तंजोर के ऊपर आप इसका आप इस्तेमाल कीजिए, बहुत सुंदर होगा वो। एक बार आप लोग अप्लाई करके आप देखेंगे, मजा आ जाएगा। ओके, तो इसको पहले हमें ये मोटा वाला से घिसना है। ये भी हम थोड़ा सा आप लोग के ये सामने रख देते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, है ना। ये देखिए, इसकी जो भी विधि है वो सब हम आपको बताएंगे। वेलकम ज्योति सिंह राजपूत, वेलकम मंजू उपाध्याय। आप लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करेंगे ताकि इस आर्ट के बारे में सबको मालूम चले कि ऐसा भी आर्ट होता है, ऐसा भी ट्रिक होता है। हमें तो अपने पेंटिंग पे ज्यादा लाइक न देख के, स्टूडेंट का अगर किया हुआ वर्क है उसके ऊपर लाइक आ जा रहा है, हमें इतनी खुशी मिल रही है आपको बता नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा। अब ये करने के बाद ये जो छोटा वाला है, पतला वाला, 320 नंबर से ऊपर आपको जाना है। ये थोड़ा सा कट गया है, 320 ही नंबर है, ये वाटरप्रूफ है। ओके, ये इसको ऐसे करना है, और हमारा एसकी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का एक ग्रुप भी है, एसकी आर्ट पॉइंट, और YouTube चैनल और Instagram, ये सबको आप लोग को ये सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर में उस ग्रुप में अच्छा कुछ ये होने वाला है। ओके, अभी हमारे वो मित्र भी बोल रहे थे कि अरे खान साहब ऐसा कहिए ना कि आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे हम आपके बैकग्राउंड में बहुत सारे हम आपको पेंटिंग, तंजोर पेंटिंग और भी बहुत सारे पॉट मार्बल रख देंगे, आप वीडियो बना लीजिएगा, 2000 रुपये आपको देना होगा उस बंदे को, फैक्ट्री वाले को 2000 रुपये आपको देना होगा। हमने कहा भाई ऐसा हमें बिल्कुल काम नहीं करना है, हमारे पास जो टाइल आया है हम उसी पे खुश हैं, हमको ऐसा नहीं है कि हमको दिखाना है या हमें शूटिंग करना है ना। एक होता ना कि रेंट पे जगह लेके शूटिंग करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है, जो होगा हमारे पेज पे होगा और हमारे घर से होगा। हाँ, इन फ्यूचर में अगर ऐसा कोई हम जगह बनाते हैं, स्टूडियो बनाते हैं, तो उस पर हम हमेशा आते रहेंगे। तो ये हो गया। ओके, मेरे पास एक कटोरी है, तारपीन तेल है, और ये मेरे पास वार्निश का डब्बा है, और इसमें चौक मिट्टी है। ओके, चौक मिट्टी है। तो एक अच्छी बात आपको बताने वाले हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स हम कर दें। ओके, ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चाहिए। ये इसमें ये चौक मिट्टी है और इसके अंदर में वार्निश है। अब यहां पे आता है क्या कि अगर हमको ज्यादा हार्ड बनाना है, इस बात को आप लोग ध्यान से आप सुनेंगे, हार्ड बनाना है तो इसमें आप तारपीन तेल मिक्स नहीं करेंगे, इसी से आपको पेस्ट बनाना है।
लेकिन अगर उसको लूज करना है और उसको बाद में घिसना है तो उसमें तेल मिक्स आप जरूर करें। ओके, इससे क्या होगा कि ये ज्यादा मजबूत पेस्ट नहीं बनेगा, हल्का बनेगा, जो बाद में आप उसको घिस के हटा सकते हैं और अच्छा वर्क करेगा। बहुत से लोग हमको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि सर ये चीज कैसे बनता है, मटेरियल के बारे में उनको हम जवाब दे देते हैं, बता देते हैं, वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि सर आप अच्छा बताते हैं, जवाब देते हैं। इन फ्यूचर में भी अगर ज्यादा भी कुछ अगर होता है तो भी हम स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हम हमेशा बने रहेंगे। ये हमारी यही है, ये नहीं कि आपसे हम फीस ले लिए और आपको भूल गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग हम पे यकीन करके, विश्वास करके हमसे जुड़े हैं। हाँ मीटा जी, ये वार्निश है, वार्निश से कोई भी चलेगा, किसी भी कंपनी का चलेगा। अब यहाँ पे एक डिटेल बात आपको बता रहे हैं कि वेलकम प्रीति जैन, ये देखिए ये जो है ये जब मैंने इसका घिसाई किया था, ओके, हाँ चौक मिट्टी है, जब मैंने इसकी घिसाई किया था तो इसके साइड में हुआ था क्या कि एक रफनेस बन गया था, एक गैप बन गया था, तो ये गैप को हमको भरने के लिए इस पेस्ट को लगाना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या कि देखिए होगा क्या, ये हम आपको बताते हैं। एक मिनट मैं होगा क्या कि अब आप देखेंगे कि ये बड़ा है साइड है, ये आपको स्पष्ट दिखेगा, एक पत्ता है ना, ये पत्ता के साइड में मैंने यही मटेरियल लगाया है। और लगाने के बाद हुआ क्या कि जब मैंने इसकी घिसाई किया तो ये जो ये वाला पत्ता के साइड में एक लाइन बन रहा है, ये शार्प लाइन बन रहा है, तो वो शार्प लाइन के ऊपर जब हम गोल्ड चिपकाएंगे और जब उसको हम दबाएंगे तो ये लाइन से वो गोल्ड है ना फट जाएगा, गोल्ड वो फट जाएगा। तो इस लाइन को, गैप को भरने के लिए यहां पे जैसे ही चौक मिट्टी लगाएंगे तो यहां पे इसके साइड में एक लेयर सा बन जाएगा, एक यानी एक राउंड सा, ऐसे राउंड सा बन जाएगा। और जब बन जाएगा तब इसके ऊपर आप गोल्ड अब लगाएंगे तो बराबर में आएगा, वो बराबर में आएगा, वो फटेगा नहीं, इसलिए ये करना जरूरी है। ओके, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इस चीज को समझें, क्योंकि जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो कोई जुगाड़बाजी वाला नहीं है, परफेक्ट वाला है। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने इसलिए डाला था ये वाला ऑयल, टारपिन तेल, ताकि जब इसके ऊपर लगाने के बाद जो, हाँ और एक और बात, ये जो रफनेस होता है, रफनेस एक एक करके याद आता है, ये जो रफनेस आता है जब हम घिसते हैं इसको तो इसमें माइक्रो होल सा बना हुआ होता है, माइक्रो होल जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा। ओके, तो जब नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा तो उसको आप घिसते रहें तो भी वो होल दिखेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात, एक और आप लोग के लिए बात हम बताते हैं, अगर आप लोग क्ले वर्क अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम क्ले बनाते हैं तो उसमें भी माइक्रो होल होते हैं, जो जब कलर करते हैं तो वो दिखता है, रफनेस दिखता है, तो आप उसमें भी इस टेक्निक का इस्तेमाल आप करेंगे। आप यही चीज लगाना है उसमें भी, लास्ट टाइम में जो मिट्टी आपका तैयार हो गया है वो, तो बेहतर तरीका आपको बताते हैं कि इसको सबसे ज्यादा सुंदर करने के लिए
पॉट। इससे भी और अगर बेटर करना है तो ये आपको लेना है और ये लेना है, ओके, और इसमें ये 50-50% आपको तारपीन तेल और ये मिक्स करना है, ओके। मिक्स मैंने ये मैंने कर दिया ये 50-50%। अगर कोई भी अगर क्ले वर्क अगर आप करते हैं तो अगर कलरिंग से पहले आप लोग ध्यान से आप लोग सुन ले, चाहे वो मोल्डिट हो, एमसील हो, चाहे मिट्टी का बनाया हो, कुछ भी हो, आप इस तकनीक का इस्तेमाल करें। तो ये हमने ये लगाया, लगाने के बाद इसको इसको कपड़ा से या इसको स्पंज से एक बार इसको लगा देना है। अब लगाने से होगा क्या कि ये एक इसका बेस जो है ना मजबूत बन गया, ये मजबूत बन गया, ये यानी ये लगाने से पहले ये लगाना है, ओके, ये लगाने से पहले ये आपको लगाना है। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस बात को आप गौर करेंगे कि अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं तो इस टेक्निक को आप लोग आजमा कर उस पर वर्क करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट आपको दिख जाएगा कि क्या मैंने ठीक बताया था कि नहीं बताया था, ओके ओके। तो ये मैंने ये किया। अब ये थोड़ा सा सूखने के बाद जब ये सूख जाएगा तो यहां पे हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यही चीज इस पे भी यही चीज अगर इसको मजबूत करना है तो, ओके। तब यहां पे बात आता है क्या कि इसमें जो मैंने चिपकाया था, इसमें जो मैंने चिपकाया था ये वैसे ही मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने आपको चिपका दिया था। 50% क्या डाला है, येलो नहीं, येलो नहीं है, ये वार्निश है। ये वार्निश आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा वार्निश, ओके। वार्निश आपको लेना है क्लियर वार्निश जो हर पेंट के दुकान पे ये मिलता ही मिलता है। ये श्वेता जी क्या लगाने से पहले क्या लगाना है, चौक मिट्टी, ये चौक मिट्टी और जो वार्निश का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो लगाने से पहले आपको इसमें डायरेक्ट वार्निश और तारपीन तेल का 50-50% लेकर लगा देना है, ओके। सूखने के बाद फिर ये लगाना है, उससे क्या होगा कि इसका जो माइक्रो होल है वो भर जाएगा। तो इसको मैंने जब किया था तो ये रिवर्स लग गया था, ये जो लाइन आ रहा है इसको ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे हो गया, तो वो बचा हुआ था मैंने वही लगा दिया। तो इस पे भी यही टेक्निक होगा, सेम यही टेक्निक। हाँ, आप वीडियो ये श्रद्धा जी फिर से आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये वाला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, आप लोग आर्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो ये जानना जरूरी है आपके लिए। ये देखिए, अब ये हमने लगाया है, इसको आप ब्रश से लगा सकते हैं, आप कपड़ा से लगा सकते हैं, किसी भी चीज से लगा सकते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने लगा दिया, ये मैंने लगा दिया, ओके। लगाने के बाद अभी आपको जो मैंने एक बातें बताई थी उसको भी दिखाना है। अब इसको हमें थोड़ा सा पोछ भी सकते हैं, नहीं भी पोछ सकते हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैं पोछ रहा हूं। अगर नहीं पोछेंगे तो भी आपको रेगमार मारना है, पोछेंगे तो भी रेगमार मारना है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, ओके। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन के साइड में जो गैप था वहां पे ये ऑलरेडी अपना जगह बना लिया है ना। लाइन के साइड में जो एक जगह है ये ऑलरेडी अपना एक जगह बना लिया है। जब इसके ऊपर हम गोल्ड चिपकाएंगे तो ये आसानी से आएगा, राउंड होके आएगा, न कि यहां से ये फटेगा, ओके। जब दबाव डालेंगे
तो फटेगा नहीं, वो बराबर में आएगा। तो इसको इसीलिए लगाते हैं कि इसका जो गैप है वो जो साइड वाला है वो भर जाए। ओके, तो इसको ये लगाना है। तो इसको अभी हमने निकाला था, तो इसको थोड़ा सा एक बार और वो भर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। ओके, ये अच्छी तरह से ये हो जाए। अब यहाँ पे करना है क्या, एक मिनट, अब इस पे करना है क्या, चौक मिट्टी कहाँ मिलती है? पेंट के दुकान पे आपको चौक मिट्टी 10-20 रुपए केजी के भाव से आसानी से मिल जाएगा। और ये चौक मिट्टी हर जगह काम में आता है, बस उसका इस्तेमाल करने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। और आप लोग अपना जो भी हमारे टेक्निक से सीखते हैं ट्रिक को, तो आप उसको आप हमारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। ओके, ये देखिए आ गया ये। अब ये सूखने के लिए कम से कम गर्मी के दिन में 3-4 घंटा, 3-4 घंटा इसको सूखने देना होगा आपको। थोड़ा सा ये कैमरा है ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, हाँ ये सामने हो जाए, है ना, आपको व्यू थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा है, अब सीधा दिखाई देगा ना। तो इसको 3-4 घंटा सूखने के बाद जब ये सूख जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये पतला वाला रेग मार है, ये इससे आपको रेग मार मार देना है। मारने से होगा क्या, ये जो ऊपर वाला जो इम्बोज किया हुआ है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा ऐसा लगेगा कि हम कोई मिरर को हम टच कर रहे हैं, इतना ये स्मूथ हो जाएगा। और जब ये स्मूथ हो जाएगा तब आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जब हम गोल्ड अप्लाई करेंगे तो कितना अच्छा होगा। ओके, अब इसके ऊपर में जो गोल्ड अप्लाई होगा उसके बारे में भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि गोल्ड की अप्लाई आप कैसे करेंगे। और यहाँ तक बात आती है, मैं इसके ऊपर एक आधे स्टोन भी चिपकाऊंगा। ओके, आप लोग को दिखाना है। ओके, तो मैं इसके ऊपर ये स्टोन भी इसको सूखने के बाद मैं लगाऊंगा, और लगाने के बाद उसका वर्क कैसे करते हैं ये भी हम आपको दिखाऊंगा। 320 नंबर से जितने भी ऊपर वाले रेग मार आते हैं वाटर प्रूफ होते हैं, इसको पानी में भी आप धो सकते हैं, पानी लगे, इसको बार बार यूज कर सकते हैं। 320 नंबर आता है, 600 आता है, 1000 नंबर आता है, 2000 नंबर आता है वाटर प्रूफ, उसके आगे का ब्लैक होता है। और ये इसके अंदर में जो वो लगा हुआ होता है, जो सैंड लगा हुआ होता है, बिल्कुल बारीक होता है। आप देखेंगे कि मैं इसको काट के ये पानी के अंदर में डाल रहा हूं, ये कहीं भी खराब नहीं होता है। इसको आप ऐसे कर दीजिए चाहे जैसे भी कर दीजिए, देखिए इतना ही मजबूत होता है। आप इसको ऐसे करने के बाद इसको सुखा दीजिए, इसका जो डस्ट है ना निकल जाएगा, इसको आप सुखा दीजिए, फिर से आप यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये वाला है वन टाइम यूज के लिए होता है। ये 100 नंबर भी आता है, 150 नंबर भी आता है, और इसमें 50 नंबर भी आता है, 80 नंबर, 60 नंबर, ये सब आता है। आप ये वन टाइम यूज के लिए होता है, क्योंकि इसका जो दाना होता है, सैंड होता है, ये कमजोर तरीके से बनाया हुआ होता है, जो एक बार आप घिसेंगे वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद इससे भी हार्ड ये आता है, मीटर वाला डिग्मा, ये इससे भी ज्यादा हार्ड होता है। ये जितना भी अगर खुरदरा है आप इसका इस्तेमाल करके घिसेंगे ना तो ज्यादा वो कटिंग करेगा। तो ये नाम ही है इसका, मीटर वाला सैंड पेपर। इसमें भी नंबर आता है, 100 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 60 नंबर, 50 नंबर, 40 नंबर आता है। अब यहाँ पे आता है कि नंबर का चक्कर क्या है, तो नंबर जितना कम होगा उतना ही इसका जो दाना है ना मोटा होगा, चाहे वो ऐसे हो चाहे वैसे हो। आप देखेंगे कि मेरे पास एक 1000 का भी नंबर का भी है, 1000, ये देखिए पेपर,
वेलकम कुंदन सिंह, ये है ना 1000, तो 1000 भी आता है 2000 आता है। तो जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही इसकी जो अंदर का जो दाना है ना पतला होगा, बिल्कुल पतला होगा वो। ऐसा आप इसको इसको टच करेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये सैंड पेपर है वो, लेकिन ये सैंड पेपर होता है। ओके, तो इसके ऊपर अब जो आगे जब होगा, अब इसमें इसमें हुआ है क्या कि इसका जो माइक्रो होल है वो भर गया। वो जो माइक्रो होल इसके अंदर में जो जो दिख रहा है ना, तो चौक मिट्टी ऑलरेडी वो बिल्कुल बारीक होता है वो, तो वार्निश के साथ में मिक्स होके एक वो अच्छा अपना लेयर बनाता है और वो उस माइक्रो होल के अंदर में जाके वो एक बेस आपका तैयार कर देता है। ओके, हाँ सर, ये 1000 से 2000 सैंड पेपर का प्राइस क्या है? 15 से 20 रुपया, 15 से 20 रुपया इसका रेट है। अलग 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 जगह पे इसको 10 रुपया भी ले लेते हैं, कहीं 15 कहीं 20 भी। ओके, वेलकम पूर्णिमा जी, वेलकम आभा अरोरा, वेलकम हरीश कुमार। तो ये है। ओके, तो इसका माइक्रो होल भर गया है और इसके जो साइड वाला भी जो गैप है वो भी भर गया है। अब इसको करना क्या है, हमें 3-4 घंटे के बाद इसको घिस देना है अच्छे ढंग से। जब ये घिसेंगे तो बिल्कुल ये चिकना हो जाएगा, फिर इसके ऊपर में हम गोल्ड अप्लाई हम कर सकते हैं। अब गोल्ड किससे अप्लाई करेंगे ये भी हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। ओके, और गोल्ड की जो क्वालिटी है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में, क्योंकि आज ये कंप्लीट हो नहीं रहा है, ये भी सूखेगा। तो नेक्स्ट वाले में यानी ये शुक्रवार को हम इसको फाइनल गोल्ड चिपका के आपको दिखाएंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसके बाद में इसके बीच में जो लाइनिंग करते हैं, किससे लाइनिंग करते हैं, ये सब बताएंगे आपको। ओके, और ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। कितने नंबर पेपर से करना है ये ऊपर से आपको बताया ना कि 320 से ऊपर जो भी आपको नंबर मिलता है उससे आपको कर देना है, क्योंकि इससे जो मोटा से करेंगे तो फिर ये माइक्रो होल बना देगा, छोटा वाला होल फिर से बना देगा ये वो, क्योंकि ये ज्यादा कटिंग करेगा, इसलिए छोटा वाला आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो इसमें हम जब गोल्ड करेंगे तो सिंथेटिक गोल्ड के बारे में भी बताएंगे, रियल गोल्ड के बारे में भी अप्लाई करके बताएंगे, पेंट के बारे में भी जो भी है सब हम आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा 2-4 मिनट बात कर लेते हैं वो, क्योंकि अभी हमारा तो आप पूछिए, अब आपका जो भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, आपको बताते हैं इसके बारे में। चौक मिट्टी ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है आपको, चौक मिट्टी ही डालना है और कोई अगर ये क्वेश्चन है तो आप प्लीज करके ये पूछिए। और आप लोग के लिए मैं बता रहा हूं ना, मीनाकारी से लेके जो भी है आर्ट में जल्दी आपके लिए बेहतर ढंग से लेकर आ रहा हूं, कोई हिडन बातें नहीं है कि आप आइए मार्बल कलर, हम आपको मार्बल कलर से आपको आपको सिखाएंगे, ऐसा कोई मार्बल कलर होता ही नहीं है। ओके, जो सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है खुद का, कोई पैकिंग में नहीं आता है। अब हमें ये ग्लास पेंट है, इसका हटा के मैं लेवल चेंज कर लूँ और कोई पेंट हो जाएगा, ये सब करने वाली बात है, ऐसी बात पे बिल्कुल ना जाए। वेलकम चंद्र चक्रवर्ती, स्टेंसिल कहाँ मिलेगा और विनाइल भी कहाँ मिलेगा, आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा ये स्टिकर। ये मिलेगा जहाँ पे नंबर प्लेट की होती है, कटिंग होती है, आपको ये वहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर वहाँ नहीं मिलता है तो जहाँ पे बड़े बड़े जो ग्लो साइन बोर्ड बनते हैं, मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं? नहीं, आप मुल्तानी के बदले आप चाहें तो इसमें इधर हमसे इंस्टा पे कोई पूछ रहे हैं कि सर चाक मिट्टी और पुट्टी सेम है? नहीं, अलग है। पुट्टी जो होता है वो उसका जो दाना होता है, डस्ट होता है, मोटा होता है, चौक मिट्टी का बिल्कुल बिल्कुल पतला होता है। चौक मिट्टी नहीं है तो आप जो है ना जो टेलीकम पाउडर है, फ्रेंच पाउडर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो भी बिल्कुल
माइक्रो पाउडर होता है वो। हाँ, कार एसेसरीज शॉप, अगर वहां पे अगर ये तकनीक है, उसके पास मशीन है कटर करने वाला, तो वहां पे वो आपको मिल जाएगा। अब रही बात की ड्राइंग की, आप ड्राइंग क्या चाहते हैं, तो अगर आप बल्क में काम कर रहे हैं, एक बार में 20 तेंजोर पेंटिंग अगर आप काम कर रहे हैं, एक ड्राइंग बनाइए उसका 20 आप पीस निकालिए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए। 20 पेंटिंग आपका 2 दिन के अंदर में आपका सब फिलिंग हो जाएगा। ओके, तो है ना आसान, 20 पेंटिंग एक बार में, यानी 2 दिन में आपका हो जाएगा। ये चौक मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को बोलते हैं चाल्क पाउडर, CHALK, CHALK, POWDER पाउडर। ये फ्रेंच पाउडर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का पाउडर आता है जो बिल्कुल बारीक होता है। कुकी कलर एक चक मिट्टी मांगते हैं, पुट्टी ही देते हैं। ऐसा है कि अगर कहीं पे आप वो दुकान में जाते हैं तो किसी के पास अगर वो सामान नहीं होता है तो लोग ऐसे बोले, अरे ये ले जाइए अच्छा है, ये ले जाइए अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता है, उनको बेचना होता है वो बेच देते हैं वो। लेकिन जिनको जानकारी होता है कि मुझे यही चीज चाहिए तो वही चीज लेकर आते हैं, उनके पास नहीं होता है तो कहीं और से लेकर आते हैं, लेकिन लेकर आते हैं, है ना। गोल्ड लिप का वीडियो है क्या, गोल्ड लिप वाला आपको नेक्स्ट टाइम में मिलेगा, शुक्रवार को आप लोग आइए, गोल्ड लिप के रियल गोल्ड पेंट सबके बारे में आपको बताएंगे, उसका अप्लाई करने का भी तरीका आपको बताएंगे। ओके, हाँ, ये मैंने मार्बल पाउडर और इमल्सन से ही मैंने बनाया है ये जो, अगर आप फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका पार्ट वन देखिए। ये मैंने मार्बल पाउडर और इमल्सन को मिक्स करके ही मैंने इसके अंदर में फिल किया है। ओके, फिल करने के बाद ये निकला है तो ये हुआ है। और जरूरी नहीं है कि ये विनाइल ब्लू कलर का ही होता है, इसमें अलग अलग कलर का आता है। एक्सरे वाला जो स्टेंसिल है इसको आपको खुद काटना पड़ेगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो। एक्सरे वाला वो काफी हार्ड होता है, वो काटेगा नहीं शायद, और वो वैसे भी वो उनके पास जो होते हैं ना बड़े बड़े सीट होते हैं उसको काटते हैं, उसमें उनका नाप तोल का होता है कि हमें कितना बड़ा में काटना है, उनके पास उस साइज का स्टिकर होता है तो अपने कंप्यूटर पे वो सेट करके करते हैं। स्टेंसिल का समझ नहीं आया, स्टेंसिल एक मिनट, हम स्टेंसिल देखते हैं, अगर शायद ये मिल जाता है तो आपको दिखाते हैं कि। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको स्टेंसिल भी आपको दिखाएंगे कि स्टेंसिल का यूज भी आप इससे कैसे करेंगे, तो हम लेकर बैठेंगे। वार्निश को ये टच वुड बोलते हैं क्या, आपको बता रहे हैं ये होता वही है, होता वही है, बस ये है कि थोड़ी सी उसमें वो केमिकल चेंज होके टच वुड लकड़ी के लिए वो बना दिया गया है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं। ओके, टच वुड आप उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको आपको क्लियर वार्निश मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा है, अगर वो टच उट मिलता है तो भी दिक्कत नहीं है, सेम ही होता है, थोड़ा सा 19 का उससे फर्क होता है। और बोलिए, अब ये सब जो मटेरियल के बारे में हम आपको इसलिए भी बताते हैं क्योंकि इसका मैंने इतना यूज किया है वो सब पता है। लेकर और वार्निश में क्या डिफरेंट है, लेकर जो है वार्निश से उच्च क्वालिटी का आता है। वार्निश जो एक डब्बा 250 से 300 का आएगा वो आपको 600 से ऊपर का आएगा। वार्निश में थिनर मिक्स नहीं होता है, उसमें टारपिन तेल मिक्स होता है, और जो लेकर में है उसमें थिनर यूज होता है। लेकिन दोनों में मजबूती के मामले में देखा जाए तो जमीन आसमां का फर्क है, लेकिन आप इसमें लेकर या पीयू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर में। ओके, क्योंकि वो जब जम जाएगा तो उसको रेगमाल से घिसेंगे तो जल्दी वो उसकी कटिंग नहीं होती है। गोल्ड लिप का प्राइस क्या है बताएंगे आपको, हम शुक्रवार को बताएंगे। ये तो मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया था कि आप इसका इस्तेमाल आप इसमें भी कर सकते हैं। ओके,
विनाइल प्लस वार्निश प्लस चौक मिट पाउडर लिया, हाँ जी यही लिया, ओके। इसके पीछे में अगर आप चाहें एमल्सन पेंट का बेस बना सकते हैं, ये मैंने एमल्सन ही बनाया है। एक्रिलिक को बिल्कुल पतला करके भी आप लगा सकते हैं, मोटा नहीं, मोटा लगाएंगे तो एक्रिलिक में आप देखते होंगे कि कोई आप पेंटिंग बनाते हैं तो कहीं से अगर निकलता है ना तो पपड़ी बनकर निकलता है, तो उसकी वजह यही है कि वो उसमें एक जब अप्लाई करते हैं तो रबड़ की तरह बन जाता है। इस आर्ट का नाम क्या है मिनल जी? आप इस आर्ट का नाम आपको शुक्रवार को पता चल जाएगा कि ये आर्ट क्या है। वैसे मैंने बताया है ये तंजौर पेंटिंग का आर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया है, और मैं आर्ट ट्रिक आप लोग को इसलिए बताता हूँ कि आप उस आर्ट में कुछ नया करें, नए तरीके से करें। हमारा मकसद यही है नया आर्ट ट्रिक बताना, और अब तक मैं आप लोग के लिए नया आर्ट ट्रिक ही लेकर आया हूँ और आते भी रहूँगा। वेलकम स्मिता साहब, वेलकम स्टैंडर्ड गोल्ड, ये हमारे इंस्टा के व्यूअर हैं, स्टैंडर्ड गोल्ड के नाम से इनका आईडी है। सर प्लास्टिक शीट से स्टेंसिल मेथड यूज कर सकते हैं? हाँ, अगर पतला सीट है तो आप उसका इस्तेमाल वैसे आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, मजेदार होता है। चौक पाउडर की जगह सेरेमिक पीओपी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें माइक्रो होल भरना है, उसके लिए जो बिल्कुल जो बारीक वाला जो पाउडर होता है उसी का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल जो बारीक है। अगर वो नहीं है, आपको कोई नहीं मिलता है, तो नाइसिल पाउडर को लाइए, उसी को डालिए, उसमें एक पेस्ट बनाइए, लगा डालिए। चलिए, वार्निश येलो हो जाता है, कोई और यूज कर सकते हैं क्या? रश्मि जी, अगर वार्निश आप पेंटिंग पे अगर अप्लाई करते हैं तो वो बाद में येलो हो जाता है, तो इसलिए अगर आप उसको और मजबूती अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर में आप जो पिक्चर वार्निश आता है जो पेंटिंग के लिए ही आता है उसका आप लोग इस्तेमाल करें। अगर वो एक्रिलिक है तो उसके ऊपर आप पीयू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब इस्तेमाल करके आप उसमें एक एक, एक शाइनिंग का बेस दे सकते हैं, वो पीला नहीं पड़ेगा। आप बताइए, आप लोग को इतनी अच्छी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं और ये सब हमको बताते हुए काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग को इसके बारे में जानकारी मिलता है, अप्लाई कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलता है ना। बारीक भी वर्क कैसे करते हैं, अब ये आपके आंख के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आंख जो है कितनी बारीक काम कर सकता है। एक टाइम था कि मैं भी एक रुपया का जो सिक्का होता है उससे भी छोटे में हम फेस बना दिया करते थे, बहुत ही रियलिस्टिक वो। लेकिन हुआ क्या कि मैं आंख में दिक्कत आ गया, फिर मैंने वो उतना बारीक काम करना फिर हमने कम कर दिया। वेलकम फातिमा जलाल। हाँ, तो आप लोग अगर मार्बल आर्ट अगर सीखना चाहते हैं तब आप इंतजार कर लीजिए, ज्यादा नहीं 10 दिन, अब बाकी वो 10 दिन 15 दिन हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि जो रियल वाला है वो तरीके वाला, बाकी जो है वो हम तो लेकर आ ही रहे हैं, वो भी रियल ही है, ओके, वो भी रियल ही है वो, लेकिन उसमें लंटेन नहीं है और वो पॉट नहीं है, घड़ी नहीं है, और भी आइटम है वो सब नहीं है, बस ये जो जो सीट है ये 9x6 और एक जो है 12x9, ये इसके ऊपर हम आर्ट लेकर आ रहे हैं और ये इसकी होगी क्लासेज। और बताना चाहेंगे कि जो फीस होंगे आपके लायक होंगे, डोंट वरी। टच वुड भी यूज कर सकते हैं एक्रिलिक पेंटिंग पर शाइन के लिए? शाइन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो बाद में पीला पड़ जाता है। एक और आपको तरीका बताते हैं कि अगर आप कोई ऑयल पेंटिंग बनाते हैं वो ज़्यादा वो पीला ना पड़े, तो आप उसमें जो लिंसिड ऑयल यूज करते हैं
वो ज्यादा ना करे, वो ज्यादा लिंसिड ऑयल यूज ना करे, तो वो पेंटिंग पीला नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा नाम मात्र के लिए यूज करते हैं। और बताइए कोई क्वेश्चन हो। राधा जी, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे। वेलकम मयंका जी। और हमारा यही मकसद है कि आपको सच्चे तरीके से बताएं, है ना। जो मुझे आता है वो हम आपको बताएंगे, जो नहीं आता है उसमें हम वो तिकड़मबाजी हम बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। और आर्ट लाइन में इतने सालों से हैं तो खैर इतनी तो तजुर्बा है कि कौन से आर्ट को हमें कैसे करना होता है, तो ये एक्सपीरियंस वाली बात है। और आप लोग के सामने मैं इतने महीनों से हूँ, इससे पहले मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं आया, ऑफलाइन में ही अपना ऑर्डर बेस पे मैं अपना काम करता था। और आप लोग की इतना हेल्प है, दुआ है, सपोर्ट है कि आप लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं और इतनी भारी संख्या में हमारा लाइव पे आके आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ये एक एक हमारे लिए एक गर्व की बात है, गर्व की बात ही हम बोलेंगे। और ऐसे ही आप लोग हम पे विश्वास बनाए रखें ताकि हम आपके लिए इन फ्यूचर में ऐसे ऐसे आर्ट लेकर आते रहें। एनेमल पेंट यूज कर सकते हैं क्या? एनेमल पेंट को अगर आप चाहते हैं तो चौक मिट्टी में डाल के यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनेमल पेंट भी इसी वार्निश से ही बना हुआ होता है। ओके, लेकिन उसमें तारपीन तेल आपको डालना है, याद रहे तारपीन तेल डालना ही है, क्योंकि एनेमल पेंट का भी एक अपना उसके अंदर में एक पेस्ट होता है, पाउडर होता है, तो वो हो गया, फिर चौक मिट्टी हो गया, फिर अगर ये करेंगे तो फिर ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो इसलिए उसमें आप डालिए तारपीन तेल डालिए। एक और बात बताते हैं, अगर तारपीन तेल नहीं है तो एक सिंथेटिक थिनर आता है, याद रहे सिंथेटिक थिनर। ये थिनर भी कई प्रकार के आता है, तो आपको जिसको बोलना है उसको आपको बताना है कि इसको मुझे वार्निश में या एनेमल पेंट में मिक्स करना है, वो वाला थिनर चाहिए, उसका नाम ही है सिंथेटिक थिनर। तो उससे होता है क्या कि वो थिनर जल्दी पेंट को सुखा देगा, उसका यही फायदा है। वो ज्यादा लोग स्प्रे जो करते हैं ना, स्प्रे गन से पेंटिंग बनाते हैं, वो उसमें यूज होता है ताकि वो जल्दी जल्दी सूख जाए। ओके, एनी क्वेश्चन? और कोई सर, बुद्धा पेंटिंग बताइएगा। बुद्धा पेंटिंग की हमारी हमारी क्लासेज है ऑलरेडी पहले से, तो उसके बारे में हम कुछ भी पेंटिंग बना है कैनवास पीछे से ये काला क्यों पड़ जाता है? पीछे से काला इसलिए भी पड़ जाता है कि ये हमारा इंडिया है, आप घर को कितना हुआ अच्छा से उसको साफ आप रखिए, जो बाहर का जो हवा अंदर आएगा तो उसका डस्ट जो है वो कहीं ना कहीं वो रखेगा। तो इसलिए हम आपसे बाद में बात करते हैं। बाय, टेक केयर। ओके, लाइट चली गई तो हमारा वाईफाई भी समाप्त हो गया है। अभी हमारी लाइट चली गई है, वाईफाई वो समाप्त हो गया है, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, विदा ले। वेलकम निधि गुप्ता जी। ये लाइट का थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि वाईफाई का कनेक्टिविटी चला जाता है वो, लेकिन मोबाइल की जो डेटा है वो काम करता है वैसे। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज करके जल्दी आप लोग बताइए। वेलकम अनुभव निगम, वेलकम पंपर भाई। आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो जवाब देने में बड़ी मजा आता है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आनंद आता है बताने में। और इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बहुत सारे अगर क्वेश्चन हो तो जो माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो आपके आपके क्वेश्चन पढ़ने से वो आंसर आ जाता है। तो आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन किया करेंगे। ये नीता ध्रुव है, ये हमारे ये खास व्यूअर हैं, और ये जब भी ये लाइव हम आते हैं तो ये पैंसठ साल के आसपास है, और ये काफी आर्ट से इतने
इंस्पायर्ड है और आपको जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कैंसर पीड़ित हैं। इनको इनको कैंसर हो रखा है, दो दो बार ऑपरेशन हुआ है और ये हमसे बात करते हैं और इनको इतना शौक है पेंटिंग का, इतना शौक है। ये श्रीनाथ जी 10-10 फुट के ये बनाते हैं और गिफ्ट करते हैं, ये गिफ्ट करते हैं। तो हमसे जो अगर पूछते हैं मैं बताता हूँ, हमें अच्छा लगता है कि ऐसे लोग को इतना शौक है और वो सीखना चाहते हैं तो उनको हम बता देते हैं, ऐसे ही कोई वो नहीं। और ऐसे लोगों को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई बोलते हैं कि मैं हैंडीकैप हूँ चाहे ऐसा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है, उनके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं अपने जो फीस है उसमें भी रियायत में रखता हूँ। अगर वैसे मैं फीस में अपना कम नहीं करता वो, लेकिन जो नीडेड है और ऐसा है तो उनके लिए मैं शुरू से और आने वाले दिनों में आपको एक बात और आपको बताना चाहूँगा। अच्छा मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा, अभी जैसे चल रहा है अभी चलने देते हैं। टीन बॉक्स पे कर सकते हैं क्या? हाँ आप कर सकते हैं, टीन बॉक्स पे भी ये मजबूती से पकड़े रहेगा, ये वाला मजबूती से पकड़े। हाँ ये कहाँ कर सकते हैं आपको बता रहे हैं, दीवार पे, प्लाई पे, सनमाइका पे, टीन बॉक्स पे कर सकते हैं। ओके राखी जी वेलकम। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट शुक्रवार को मिलते हैं और इस पर अपना वर्क करेंगे। अभी आप देखेंगे ये लगभग ये सूख गया है ना, सूख गया है ना, तब ये अच्छी तरह से सूखा नहीं है, अंदर में गीला ही है, तो इसलिए इसको हम अच्छी तरह से सूखने देंगे और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके और आप लोग ऐसे आर्ट सीखिए, अच्छा से आप सीखिए, मेहनत कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप अपना कोई काम करें, बिजनेस बढ़ाएं, आप वो भी कीजिए। हमारे तरफ से जो सपोर्ट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये चंद्रा चक्रवर्ती जी, अगर आप हमारे कुछ है क्लासेज है एमसील से बना सकते हैं क्या? ये नहीं, ये एमसील से वो बात नहीं आएगी, एमसील से नहीं कर सकते हैं। हाँ एमसील को बनाने के बाद उसके ऊपर ये कोटिंग वोटिंग आप कर सकते हैं। वेलकम आर ज्योति, वेलकम तिम्मी वालिया, वेलकम सरला शर्मा। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।